हेलो दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट ट्रायंगल हुज टू साइड आर 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी एक साइड कितनी 5 है एंड दूसरी 12 है एंड हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है जिसका 90 होता है, जैसे ये हमारा यहाँ पे इसका 90 होता है। तो इसकी स्ट्रिक साइड वाली हाइपोटेन्यूज होती है, क्या होता है हाइपोटेन्यूज होती है, ये परपेंडिकुलर होती है, ये बेस होती है, ठीक है। तो अब हुज टू साइड, आप टू साइड दे रखी तो हमें परपेंडिकुलर कितना दे रखा 12 सेंटीमीटर, बेस कितना दे रखा 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज हमें निकालनी है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमें क्या निकालनी है, तो एक पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी, उसके अनुसार पाइथागोरस थ्योरम से हमारे कभी भी हाइपोटेन्यूज निकालना एच स्क्वायर में हाइपोटेन्यूज क्या होता, पी का स्क्वायर होता और प्लस बी का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है हाइपोटेन्यूज निकालने का, ठीक है। तो अब मुझे हाइपोटेन्यूज निकालने राइट ट्रायंगल में, हमेशा हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए ये भाई पाइथागोरस थ्योरम। तो एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी हमें कितना दे रखा 12 का स्क्वायर और बी हमें 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या है, अब 12 को अगर 2 बार करोगे 12 इंटू 12 तो क्या 144 होता है, कितना होता है 144। तो ये 144 मल्टीप्लाई और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, क्योंकि 5 इंटू 5 25। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनको प्लस करेंगे 5 9 6 और ये 1, तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना निकलेगा 169। अब यहाँ से हम स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ से अगर मैं ये रूट में चला जाएगा 169, अगर मैंने ये निकाला तो यहाँ रूट में चले, अब 169, अब 169 का हमें रूट खोलना है। तो 169 कितना होगा, इसको हमें क्या करना है, एक कितने का होता है, ये होता है 13 का, कितने का होता है 169 हमारा कितने का होता है 13 का स्क्वायर रूट होता है, कितने का होता है 13 का स्क्वायर रूट होता है हमारा, ठीक है। तो ये ढंग से हम इसको निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है 13 आया। थैंक यू।